हमारा नेम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो KDL में आज आपके लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियो के साथ आपके खेत में फिर से हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझसे बहुत से लोग मेरी ब्यूटीफुल स्किन का जो सीक्रेट पूछते हैं, तो मेरे सीक्रेट्स में से एक सीक्रेट जो है मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। बहुत सिंपल रेमेडी है जिसको आप मैं डेली बेसिस पे यूज़ करना, तो गारंटी देती हूँ कि आपको स्किन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इसको डेली बेसिस पे यूज़ करें, रेगुलरली इसको यूज़ करें। बहुत आसान और सिंपल सी रेमेडी आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, अपनी वीडियो को मैंने हम स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जो फ्रेंड्स मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को मस्ती प्रेस करें, ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मुझे इंस्टाग्राम फॉलो मत करना मत भूलिएगा, और मेरे KDL पेज को भी फॉलो कर लीजिए। तमाम जो लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डायरेक्टली मुझे फॉलो और लाइक कर सकते हैं। तो चलिए अपनी आज की अमेजिंग वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपने कोई भी नीट एंड क्लीन बाउल ले लेना है, चाहे प्लास्टिक का हो, कांच का हो, शीशे का हो, या किसी भी मतलब हो, लेकिन स्टील का आपने लेनी है ना। इसके अलावा आप कोई सी भी मटेरियल का जो बाउल है वो ले सकते हैं। और इसमें 1 टीस्पून आपने ऐड करना है ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन। मैं इसको अपने फेस और नेक के लिए बना रही हूँ। आप इसको अपने फुल बॉडी पर भी अप्लाई कर सकते हैं और इसको ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। तो ग्राम फ्लोर फ्रेंड्स आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इसको सिंपल भी अपने फेस पर मसाज करें, यानी कि अगर आप फेस वॉश करें, तो अपने हाथों को थोड़ा सा गीला करके उस पर सिर्फ बेसन रख के अपने फेस पर मलें, तो आपको बहुत अच्छे और इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे। बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए। इसके बाद हमने ऐड करना है इसमें एलोवेरा जेल। आप मैं इसमें मार्केट वाला यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो आप इसमें फ्रेश एलोवेरा का जो प्लांट है वहाँ से लीफ लेके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून के बाद हम इसमें एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। एलोवेरा जेल इसमें मस्ट है, इनके लाजमी आपने यूज़ करना है, चाहे फ्रेश एलोवेरा यूज़ करें या फिर मार्केट वाला, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और एक इसमें आपने ऐड करना है विटामिन ई का कैप्सूल। मैं इसमें एक ले रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप इसको ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इसमें एक ही विटामिन ई का कैप्सूल ऐड करेंगे। अगर आपके पास एवियन की कैप्सूल मौजूद है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें रोज़ वाटर ऐड करेंगे। रोज़ वाटर हमने इसमें इतना ऐड करना है कि इसका एक फाइन और थिक सा पेस्ट बन जाए। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा पेस्ट जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इसको कैसे यूज़ करना है, आप इसको दिन में किसी भी टाइम यूज़ कर लीजिए। इसको लगाकर अब अपना काम करें। अगर आप किचन में काम करना चाहती वो करें, अपनी स्टडी करनी है वो करें, कंप्यूटर पे काम करना है, टीवी देखना, कुछ भी करें, इसको लगा के आप घूम फिर लें। 15-20 मिनट के बाद ये ड्राई हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको रब करके उतारना है। अपने फिंगर्स को थोड़ा सा गीला करके इसको रब करके उतारना है। इससे ये होगा कि आपकी स्किन के अंदर ब्रश सर्कुलेशन फास्ट होगी और आपके फेस पर अगर टाइनी हेयर्स हैं, इनके छोटे छोटे बाल हैं, वो भी इससे रिमूव होंगे। इसको डेली बेसिस पर जब आप यूज़ करेंगे ना और रब करके उतारेंगे, तो आपके फेस पर जो एक्स्ट्रा हेयर है वो रिमूव हो जाएंगे। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी। ग्लो की वजह क्या होगी कि जब आप इसको रब करके उतारेंगे तो आपकी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगा, और ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होने से आपके जो ब्यूटी मसल्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और आपको नेचुरली ग्लो देंगे। ये बहुत अच्छा फेस पैक है आज का। आपको जिस तरह मैंने बताया है वैसे ही इसको यूज़ करें। आपको लगाने से पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लें या फिर अपने फेस की क्लिनजिंग कर लें, उसके बाद इसको अप्लाई करें। और सिर्फ 15-20 मिनट के अंदर ये ड्राई हो जाएगा। इसको लगा कर आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, आप इसको लगा कर छोड़ दें और अपना काम जो है वो जारी रखें। जब ये ड्राई हो जाए तो उसको रब करके उतार दीजिएगा। आपको इतने अच्छे और अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। सिर्फ 1 वीक के रेगुलर यूज़ के बाद आपकी स्किन बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन, वाइट और ग्लो करने लग जाएगी। और रेगुलरली यूज़ करते जाएंगे तो आपकी स्किन की कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरी ब्यूटीफुल स्किन का सीक्रेट यही है, और बहुत से सीक्रेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, और इनमें से एक ये है। मैं बहुत कुछ ट्राई करती रहती हूँ ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँ, और मैं आपके साथ वही शेयर करती हूँ जिसके रिजल्ट मुझे अच्छे लगे हों, और जो मुझे अच्छे ना मिले वो मैं आपको बता भी देती हूँ कि इसके रिजल्ट कितने अच्छे हैं और कितने नहीं। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।